देखो हम लोग कल पढ़े थे ना थ्योरी में कि शांत अगर पहचान करना है, शांत दशमलव प्रसाद, तो कैसे आप पहचान करेंगे? बस उसके हर में चौवन सौगा जो भी होगा उसको लिख लो, उसके हर में 2 के पावर n और 5 के ऊपर m होना चाहिए। इस शांत के माने पहचान था, और शांत का था का अशांत 2 प्रकार था, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या था। तो इसमें क्या था ना कि जैसे आता है 2.4564, फिर यहाँ से रिपीट होगा 4564, फिर यहाँ से रिपीट होगा 4564। जब रिपीट होता है तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। और तीसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, तो ये क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा। तू जैसे 2.4564 2.3788 ऐसे ऐसे आके आता है। तो ये तीन हमने के तीन को माने पहचान है। एक बार समझो, देखो हम लोग को 1.4 में मात्र 3 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। ये कहा है कि शांत दशमलव प्रसारक का, तो शांत का मतलब का जो हर है, हर में क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। जैसे 10/2 है तभी हम कहेंगे शांत, क्योंकि 2 हर में आ गया। 5/2 है तभी आप कहेंगे शांत। 8/5 है तभी आप कहेंगे शांत। 15/5 है तभी आप कहेंगे शांत। माने यदि ऐसा महसूस हो कि अंश में कुछ ऊपर दिया हो लेकिन हर में 2 और 5, 2 के ऊपर 3 हो, जैसे आप 8 को अगर दिया है ना, नीचे 8 अगर है तो आप 8 को काटेंगे तो 3 2 आएगा, तो आप 2 के ऊपर कितना लिख लेते हैं, 3। या मान लो कि 25 दे दिया नीचे, तो आप 5 से काटोगे तो 5 के ऊपर कितना आ जाएगा, 2 2 आएगा ना, 5 × 5 लिखेंगे। तो अगर इस टाइप पे आ जाएगा तो हमेशा आप उसको शांत दशमलव प्रसाद में लिख देंगे। बात समझ रहे हैं ना, सीखो तो नहीं। देखो कुछ टॉपिक इतना ईजी होता है कि आदमी सुन करके उसको याद कर लेता है, जैसे आज याद हो गया तुम लोग को। लेकिन अगर हर में 2 और 5 करते और कुछ आ जाए, जैसे 3 आ जाए, जैसे 7 आ जाए, तो अगर 3 आ गया, 7 आ गया, या 9 आ गया, या 11 आ गया, भले 2 है उसमें, हर में भले 2 है, लेकिन अगर 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार नहीं है। अच्छा, इसको 2 और 5 आने के बाद हम लोग शांत दशमलव प्रसार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर नीचे हर में 2 है, ऊपर कुछ भी रहेगा, तो जब आप भाग देंगे तो उसका शेषफल 0 आ जाएगा। उसी तरह से अगर नीचे 5 है, जब आप भाग देंगे तो उसका भी शेषफल क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, इसका शेषफल 0 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाइए, भागफल में दशमलव बढ़ा करके भाग दीजिए, शेषफल 0 आ गया, तो हम लोग उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। पहला टॉपिक एकदम याद हो गया ना कि अगर 2 और 5 हर में आ गया तो आप इसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब यहाँ से अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार अभी उसमें छाटेंगे आप। तो देखो अशांत का मतलब हुआ कि वो कभी कट कर 0 नहीं आएगा। देखो यही पहचान है, डे 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 साता चला जाए, अशांत का ये पहचान है। देखो अगर डे डैश कर दिया या भाग देने के बाद उस पर 0 नहीं आया, खूब भाग जा रहा है, भागते जा रहा है वो, कभी मन रुक नहीं रहा है, तो आप सीधे कहिएगा अशांत है। जब भाग देने के बाद भागता जा रहा है, कभी कट के 0 नहीं हो रहा। लेकिन ये अशांत भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि वो रिपीट होगा, रिपीट होता है। देखो यहाँ पर 2.456 आ गया ना, 4564 है ना, तो फिर तो कहाँ से रिपीट हो रहा है, 4564 यहाँ से, ये 4 अंक है, फिर 4 अंक, फिर 4564, रिपीट हो रहा है बार बार। भाग तो भागेगा लेकिन जो संख्या होगी उसकी रिपीटेशन होता रहेगा, मतलब दोहराता रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, जैसे कोई संख्या आ गया, जैसे यहाँ पर 4564 है तो फिर 4564 इस तरीके से आता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। एकदम सीखो, पहले तो यही पहचान होती है कि डेढ़ डेढ़ आ गया तो अशांत होगा, लेकिन अगर रिपीट उसमें हो रहा है, बार बार रिपीट उसको हो रहा है, हम लोग उसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक क्या होता है कि अशांत अनावर्ती,
अनावर्ती का मतलब होता है कि जब आप भाग देंगे तो उसका रिपीटेशन नहीं होगा, वो दस अंक तक आएगा, दसवां के बाद बीसों अंक तक आएगा, लेकिन एक भी रिपीट नहीं होगा। वहाँ रिपीट का मतलब हुआ कि जैसे हाँ आ सकता है, ये जैसे चार है, कहेंगे सर यहाँ पर चार आ गया, लेकिन चार के बाद पाँच है तो यहाँ चार के बाद दो आ रहा है, अंक आएंगे। जैसे मान लो चार यहाँ पर है ना, चार यहाँ पर है, लेकिन चार के बाद यहाँ पर पाँच है तो यहाँ पर दो आ जाए, अलग आएगा। माने एक जो तीन और चार अंक का जो क्रमबद्ध होता है वह नहीं आएगा। रिपीट कब मानते हैं, जैसे यहाँ पर चार आ रहा है तो यहाँ पर चार आया, लेकिन चार के बाद जब यहाँ पर पाँच है तो यहाँ पर भी पाँच होना चाहिए, तो रिपीट नहीं हो रहा, चार के बाद अलग है यहाँ पर अलग आ रहा, तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रशांत। बस ये तीन को टॉपिक आपको याद कर, शांत है दो और पाँच हर में रहेगा तो शांत कर देंगे, और अशांत कहेगा तो बस उसके हर में दो और पाँच नहीं रहेगा, या भाग देने के बाद वो भाग बहुत दूर तक जाएगा। और अगर अंकों का रिपीटेशन होता है, जैसे चार पाँच छः चार है, यहाँ भी चार पाँच छः चार है, फिर चार पाँच छः चार है, अंक रिपीटेशन रिपीट करते हैं तो हम लोग उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। और अंकों का रिपीट नहीं होता है, कोई अंक भले एक बार आ जाता है लेकिन उसके बाद वाला फिर अंक नहीं आता है, जैसे यहाँ पर चार आ गया, यहाँ पर चार आ गया, चार तो आया लेकिन चार के बाद पाँच है, यहाँ पर चार है लेकिन चार के बाद क्या है दो है, तो अगर अंक रिपीट नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रशांत कहते हैं। बोलो, अब तो हमको लगता है कि ये अभ्यास इतना ईजी हो गया कि आप इसको देख करके बता सकते हैं, बता दोगे? तो चलो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चले पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर एक आपके कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। बिना माने इस क्वेश्चन का देखो मूल भाव कहाँ है, इस क्वेश्चन का मूल भाव है कह रहे इसमें फर्स्ट में कि बिना विभाजन प्रक्रिया से, बिना विभाजन प्रक्रिया से आपको बताना है कि कौन शांत है, एक्सरसाइज आपका शुरू हो चुका है, कौन शांत है और कौन अशांत है। एकदम सिंपल सा बात आपको बताया गया, उसी के हिसाब से आप बता सकते हैं कौन अशांत, ठीक है ना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। चले तो देख लो कैसे बताएंगे आप इसको। कितने क्वेश्चन दिया इसमें, दस दिया है। चलो पहला यहाँ पर हल कर लेंगे, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठवा यहाँ पर, सातवा यहाँ पर, आठवा यहाँ पर, और नाइन नंबर भी हो जाएगा यहाँ पर, दस नंबर। तो ये आपके पास पूरा दस क्वेश्चन हो जाएगा। चले ठीक है, चलो अब आ जाओ। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया क्या, तेरह बट्टा, पहला आपका है तेरह बट्टा इकतीस सौ पच्चीस, सेकेंड आपका है सत्रह बट्टा आठ, सत्रह बट्टा आठ, थर्ड आपके पास है चौंसठ बट्टा चार सौ पचपन, फोर्थ आपका है पंद्रह बट्टा सोलह सौ, और पांच नंबर आपका है उनतीस बट्टा तीन सौ तैंतालीस, तीन सौ तैंतालीस, और ये आपका है तेईस बटा दो के ऊपर तीन, पाँच के ऊपर दो, तेईस बटा दो के ऊपर तीन, पाँच के ऊपर दो। उसके बाद लिखा है एक सौ उनतीस बटा दो के ऊपर दो, दो के ऊपर आपका दो लिखा है, पाँच के ऊपर सात, पाँच के ऊपर दो है ना, सात, पाँच के ऊपर सात और सात के ऊपर पाँच, और फिर आपके पास है छः बटा पंद्रह, छः बटा पंद्रह लिख लेता है, फिर हमारे पास है पैंतीस बटा पचास, तो पैंतीस बटा पचास लिख लेते हैं, फिर सतहत्तर बटा दो सौ दस लिख, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास उपस्थित है, तो आप बस इतना देखिए इसमें कि कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। चलें जल्दी बैठ जाओ ना।
और इधर आ जाओ, इस डेस्क पर बैठ जाओ। चलो अच्छा देखो, हमें ऊपर अंश में कुछ भी दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? ये अंश में तेरा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल हर देखना है। हर आपके पास कितना है? 3125 है, और हर हमारे पास 8 है, हर हमारे पास 455 है, 1600 है। माने सिर्फ हर से ही पहचान करेंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। बस शांत के लिए नियम आपको बस लिखा गया है यहाँ पर, कि अगर 2 और 5 आ गया तो हम लोग सीधे कहेंगे कि ये क्या है, शांत है। और बाकी कुछ भी आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अशांत। उसके अलावा काटो कहीं किनारे ना रख, कार पर काट दो इसको। 3125 है, ठीक है ना? तो 3125 है तो इधर काट लो 3125 को, 5 से काटो। देखो 5 है तो 5 से कटेगा, ये भी तो आपको याद है। तो 6 5 30 हो जाएगा, और एक देखो 3130 हो रहा है तो 1 12 बच रहा है, 5 2 10 और फिर 25, 5 5 25। फिर 5 से काटोगे 125 आएगा, फिर 5 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे 1, ठीक है? कितना आ गया? 5 5 5 आ गया। तो आप यहाँ पर 13 बटा 5 के ऊपर क्या लिखेंगे? 5। अब बताओ ये क्या है? खाली तो 5 ही तो आया है, अकेले केवल 5 आए, अकेले केवल 2 आए, और 2 और 5 साथ में आए तभी आप शांत होंगे। तो क्या लिखा जाएगा? शांत दशमलव प्रसार है। चलो बहुत सिंपल था आपका, है 8 है ना, तो बहुत सिंपल है। 8 है तो 8 को काटोगे तो 3 को 2 आएगा, तो बहुत सिंपल सी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं 17 बटा 2 के ऊपर 3, और ये भी क्या है? 7.5 पसार है। चलो 455 है तो 455 को आप काट दीजिए, चलो 5 से काटो तो 9 5 45, 5 1 5, 7 से काट दो 1391, 13 से काटो 1। बात समझ रहे? अब इसको आप काटे तो ऊपर तो 64 वैसे ही रखो, नीचे का हमारे पास आया 5 × 7 × 13 आ गया। अच्छा नीचे तो देखो ना, 5 तो ये ठीक बात है, 5 है तो चलो सही है, लेकिन 7 और 13 भी तो इसके साथ आ गया। तो 7 और 13 जब इसके साथ आ गया तो क्या लिखा जाएगा? अशांत हो जाएगा। केवल 5 होना चाहिए, नहीं तो केवल 10 हाँ 2 होना चाहिए, या 2 और 5 होना चाहिए, उसके साथ कोई और अंक नहीं होना चाहिए। चलो भाई 1600 को भी काट दीजिए आप, 2 से काटिए 800, फिर 2 से काटेंगे 400, फिर 2 से काटेंगे 200, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें केवल 2 और का आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा बताओ कितने 2 है? 1 2 6। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 15 बटा 2 के ऊपर कितना? 6, अगुण है 5 के ऊपर 2, अरे 2 5 है ना, तो 5 के ऊपर 2 लिख लो। अब देखो ना ये क्या लिखा जाएगा, हाँ शांत दशमलव प्रसार। बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा आप चीज़ को बता दी, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो भाई 343 आ जाओ, 7 से काटेंगे 49, फिर 7 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1, तो 29 बटा 7 के ऊपर 3 हो जाएगा। 7 के ऊपर 3 क्यों दिख रहे हैं? 7 के ऊपर 3 इसलिए क्योंकि 3 7 आ रहा है, 7 से ही कटेगा 343। कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जिसको याद कर लिया जाता है, 343 को आप सोचाएंगे 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये आप 8 में पढ़े थे घन और घनमूल। चलो तो ये कहा जाएगा अशांत है ना, अशांत दशमलव प्रसार है। अच्छा अब इसी में भाग देकर भी आप ज्ञात कर लीजिएगा, अशांत तो है तो 29 में 343 से भाग देते हैं तो रिपीट होता है कि नहीं होता, उसके हिसाब से आप लिख पहले अशांत का लिख के छोड़ दीजिए। चलिए हाई तो ऐसे ही आप आँख मुन के बता सकते हैं, सर 2 और 5 है केवल, 2 और का है 5 है, तो ये कहा जाएगा शांत दशमलव प्रसार है। चलिए नीचे वाला तो हाँ क्योंकि 7 आ गया इसीलिए ये प्रॉब्लम हो गई, केवल 2 और 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 2 और 5 होता तो क्या लिख देते हम लोग शांत, लेकिन ये 7 भी आ गया तो आप इसके लिए क्या लिख देंगे, अशांत है। माने अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब आपको दिक्कत कहेंगे सर ये क्या लिखेंगे, 6 बटा 3 × 5 सुनो पहले काम होता है ना, जैसे ऐसा लगता है कि दोनों कटने वाला है तो पहले कट दो, पहले क्या कर दो, हाँ जैसे इसमें कोई कटने वाला नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कट जाएगा, समझ रहे हो? सवाल बोर्ड में आ गया तो बहुत बच्चे अशांत लिख देंगे, सर ये तो 15 है 3 × 5 आएगा, 3 आ गया तुम लोग अशांत लिखेंगे, ना ना
पहले इसको हल करेंगे। हल का मतलब काटेंगे, काटो। चलो अगर तीन से काटोगे तो दो बार में कटेगा, पांच बार में तो दो बटा का आ गया पांच, दो बटा तो दो बटा पांच है तो का आ गया। हाँ लेकिन देखने में क्या लग रहा था? हाँ ये ध्यान रखना, जब कटने वाला तो काट लो, काट लो, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये तो ऐसे ही शांत है क्योंकि आप ऐसे ही पचास को काट कर देख लो। हालांकि कटने वाला है तो काट भी सकते हो, पहले काम करो काट लो। पाँच से काटो तो सात बार में कटेगा, दस बार में कटेगा, सात बटा का हो जाएगा दस, और दस है तो दो गुणे पाँच, और क्या, दस है तो सात लिख लो और दो गुणे का लिख लो पाँच। अच्छा दो गुणे पाँच है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत लिख लो यहाँ पर, शांत है। अच्छा हाई देख रहे हैं ना, सतहत्तर बजे दो से दस यो कटेगा, सात से काटो, ग्यारह बार में कटेगा, सात तरीके इक्कीस तो ग्यारह बटा का हो गया तीस, और फिर तीस को काटोगे तो ग्यारह बटा तीन दूना छः और छः पचे तीस। प्रॉब्लम एक चीज़ की थी ना कि यहाँ पर तीन आ गया, तीन नहीं आया होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेकिन ये क्या हो गया है। हाँ चलो अशांत दशमलव परेशान है, हमको तो लगता है कि अपने किताब के सबसे आसान अभ्यास में इसको एक शामिल कर लेना, कि इससे आसान कोई अभ्यास रह ही नहीं सकता। बस दो और पाँच आ गया तो शांत, बाकी कुछ आया तो सब हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, शांत लिखने वाले, समझ लो बात को। चलो क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया, पूछना है कुछ आपको? नहीं पूछ सकते, क्या पूछेंगे वो तो सब लग जाता। चलो आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो के पास, क्वेश्चन नंबर दो। अच्छा दो क्या कहता है देखो, कह रहा है कि जो जो शांत है उसको छांट करके लिख लेना, जो जो शांत है वो क्या है, माने यही कह रहा है ना, तो लिखो, माने लिख लेना इसमें कि शांत दशमलव प्रसार निम्नलिखित है। जो जो माने कह रहा है प्रश्न में कि शांत है उसको आपको क्या करना है, लिखना है, फटाफट लिख लेते हैं। एक तो आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है, एक कौन आपके पास है, सेकेंड नंबर भी है, एक कौन आपके पास है, फोर्थ नंबर भी है, एक कौन आपके पास है, छ नंबर, और एक कौन है, आठ नंबर है, और एक आपके पास नौ नंबर है। चलो इतना नंबर आपके का क्या है, शांत वाले हैं ना, तो चलो देखो ध्यान से। पहले तो आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा तेरह बट्टा हाई, देखिएगा ये इकतीस सौ पच्चीस, ये क्या है, शांत है। उसके बाद से सत्रह बटा आठ है, इसके बाद से थ्री नंबर है चौंसठ बटा चार सौ पचपन, अच्छा चलो तो छोड़ दीजिए, पंद्रह बटा सोलह सौ हो जाएगा, और ये क्या है, ये है तेईस बटा दो के पावर तीन, पाँच के पावर दो, और ये है, ये छः बटा अठारह लिख लो, छः बटा पंद्रह है ना, छः बटा पंद्रह लिख लो, और ये क्या है, ये क्या, पैंतीस बटा पचास, ये पूरे क्या हैं, शांत। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं विवेक बाबू कि आखिर ये शांत क्यों है जो हमने लिखा है, ये आपको बताना है। ये तेरह बटा इकतीस सौ पच्चीस को हम लोग शांत क्यों लिख रहे हैं, कोई रीजन है, क्या रीजन लिख सकते हैं? कहोगे सर जब इसको हम लोग इकतीस सौ पच्चीस को भाग करेंगे तो केवल हर में दो और का आएगा, पाँच आएगा, इसलिए का है ये रीजन। हाँ टैलेंट आप लोग बच्चे हैं, आपको तो तुरंत बताना चाहिए। अब मान लो कि ये सत्रह बटा आठ है, आप बताएंगे क्यों ये शांत है, इसमें भाग देंगे, हाँ तो क्या होगा, तो सस्फल जीरो आ जाएगा और नीचे जीरो आ जाएगी, क्या हुआ, अरे कहीं सस्फल जीरो आ जाएगा, तब समझ गए ना। अरे ये भी कह सकते हैं सर इसके हर में केवल दो आएगा इसलिए क्या है, शांत। अच्छा ये पंद्रह बटा सोलह सौ भी शांत है, तो वही होगा कि इसमें क्या आएगा, दो और पाँच आएगा, सिंपल सी बात आपकी है। जितना माने आधे को ये तो पहला ही है ना, कोई पूछ दिया बता रहा है कुछ बता रहा है हिमांशु। अच्छा हिमांशु ये शांत है, ये शांत है क्यों, हर में दो और पाँच आया, हाँ हाल में क्या आया है, ये सब बात बच्चे आज के। चलो ठीक है अब आते हैं, समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं थ्री के पास, आओ किसके पास, थ्री के पास। चलो थ्री नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, इसके साथ अभ्यास भी समाप्त हो जाएगा। पहला लेसन की आज समाप्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी सवाल में, कोई दिक्कत नहीं। चलो
देखो क्वेश्चन नंबर थ्री आपको कह रहा है कि देखो पहले सुनो, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। आप फिर इसमें कहता है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि वह परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप का है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं। क्या बताना, बात करते रहो तो हमेशा पढ़ने आए। चलो तो क्या कह रहा है इसमें, देखो आपको बताना है कौन 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 संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलो पहले हम लोग कहाँ का दिया इसको लिखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या फर्स्ट में हमारे पास दिया है, देखो दिया है आपका 43.12345678 9 तक दिया। ठीक है ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना। अब हमारे पास कहाँ है ना, दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है, ये आप लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 0.1201 1201 1201 फिर एक के बाद क्या दिया है, दो 00 1 फिर 2000 कर दिया। हाँ ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ये देखिए दिया है 43.1 2 3 इतना दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार बार बार, हाँ बार पढ़िए या डैश पढ़िए जो आपकी इच्छा। अच्छा देखो सवाल में आप देख रहे होंगे ये तीनों सवाल में, इसमें 43.9 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। हाँ इसमें आप देखिए 0.1201 2001 2001 है आपका। अब आपको जानते एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या, सबसे पहले तो क्या हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कहोगे एकदम सर लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक होता है उतना नीचे जीरो आ जाता है, पहला बात। अब आपको बताना है, ध्यान से सुनना, कि ये शांत है कि अशांत है। शांत है, बताओ सोच के बताओ, शांत है कि अशांत है। क्यों शांत है, हाँ तो पहले एक देखो एक और इसकी पहचान होती है कि डाई डैश नहीं किया है, जब डाई डैश नहीं किया तो शांति होगा एकदम, इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो आ गया। हाँ अगर पूरा मान लो कि अगर दशमलव के बाद नौ को जीरो नीचे बढ़ाओगे, देखो दस अगर एक को जीरो रहेगा तभी 2×5 आएगा, तभी केवल 2×5 आएगा, 100 भी रहेगा तभी 2×5 आएगा, काट के देख लेना, 100 रहेगा तब की मैं बात करूँ, 1000 रहेगा तभी 2×5 आएगा, 10000 रहेगा, 20000 रहेगा, 20000 में केवल 2×5 रहेगा, समय केवल आएगा माने 2×5 ही केवल आएगा। तो अब बताओ पहले इसको कि हम लोग इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, तो इतना लिख करके दशमलव हटाओगे तो नीचवा 9 को जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 9 अंक आपके हैं, पहला तो ये आपका हो गया। दूसरा में आओ, अब दूसरा में आपको बताना है कि शांत है कि अशांत है। चलो ठीक है अशांत है। और एक और बात आपसे पूछे, बताओ ये आवर्ती अशांत अशांत है कि अनावर्ती अशांत है। आवर्ती नहीं है, रिपीट हो रहा है। हाँ एकदम सही लड़का बोला, रिपीट हो रहा है लेकिन साला सही से नहीं हो रहा है, ये जीरो है तो यहाँ डबल जीरो तो ट्रिपल जीरो, और रिपीट के मतलब कि अगर जैसे मान लो एक बार एक आ रहा है तो एक बार ये दो आ रहा है तो एक ही को जीरो आना चाहिए, इसमें डबल हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए अनावर्ती कह देंगे। क्या इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कभी। हाँ ये आते हैं, ये 9 का सवाल है, कहाँ के सवाल है। अब आपको ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। अशांत है, हाँ हम आपको बताते हैं, आइए बताना कि अशांत में आवर्ती है कि अनावर्ती है। आवर्ती का मतलब हुआ जब हटाएंगे ना तो फिर यही रिपीट होगा, फिर यही रिपीट होगा, फिर यही रिपीट होगा आपको। चलो अब आपको ये बताना है क्या इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सुनो अगर आप 9 के हिसाब से चलेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कैसे मान के नहीं भाई बान जैसे देख रहे हैं ना, ये जैसे है वैसे ही पूरा उतार देंगे, आई में से घटा देंगे, आज जितना आई अंक वो उतना नीचे 9 बढ़ता है, उतना क्या करता है, खैर बहुत लंबा हो जाएगा छोड़ देना, एक सीधा लिखा जाएगा, इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलो समझ गए ना, कौन दिक्कत।
होगा दिक्कत होगा, जब कहाँ पे पूरा करेंगे तब दिक्कत होगा। चलो पहले तो इसको परिमेय संज्ञा के रूप में लिख सकते हैं सब लोग, क्या होगा बताओ, पूरा सर उतार दीजिए ना, 43 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अब बटा में कितना जीरो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, समझ रहे बात को, आज आप लोग गोली पारना भी सीख लेंगे। अरे क्या है यह सात दशमलव प्रसार है, सात दशमलव प्रसार है। चलो कोई दिक्कत, चलो आया इसको क्या लिखेंगे, सीधे आप क्या लिखेंगे, यह अशांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है क्योंकि क्या कह दीजिएगा, इसमें अनंत तक आएगा इसमें, और अशांत में भी क्या है, हैंगर लिखिएगा, ये अशांत अनावर्ती अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको, मैं अच्छा लगा, जबरदस्ती को ये बताओ ये क्या है, शांत है कि अशांत है, यह अशांत हाँ आवर्ती, आवर्ती का मतलब देखो पत्नी और समझा दिया आपको, ये 43 है ना दशमलव हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 फिर मैं डेढ़ सात चला गया, हाई बार का मतलब यही होता है। हे बाबू विवेक माला सवाल आ गया 3.5 के ऊपर बार, तो इसका मतलब है 3.5555555555 ये कहाँ तक जाएगा, पंदेरी तक जाएगा, पंदेरी इसका कोई इसका कोई सीमा नहीं, कहा पंदेरी जाएगा, सिवान जाएगा, तब उधर जाएगा, तब थोड़ा जो नाना बाबू की ससुराली चला जाएगा, नाना की ससुराली कल तक जाएगा। चलो ये भी कहा जाएगा यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ओके बोल, कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो समाप्त करते हैं, तो चलो लिख लो तब हम साइंस आपको बोल।